ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक आसपास कक्षा 3 पाठ 13 छूकर देखें। प्रस्तुत करता अजय कुमार गुप्ता। ये कहानी है सीमा की। सुनते हैं। सीमा से, मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतजार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं, आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती। मोटा मोटा वो टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे मम्मी पापा को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर पर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, मैं भी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आर से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। बच्चों, सीमा की कहानी में हमने दो तरह के लोगों के बारे में जाना। एक जो बूढ़े हैं। बूढ़े लोगों की बहुत सारी समस्या होती है, जैसे उम्र के साथ उनके देखने, सुनने और सोचने की क्षमताओं में कमी आ जाती है। कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, कुछ लोगों को दिखाई कम देने लगता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है, उनके दांत टूट जाते हैं जिससे उन्हें खाने में भी समस्या होती है, कुछ लोगों को चलने फिरने और झुकने में भी तकलीफ होती है। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वे चीजों को छूकर उनका पता लगाते हैं। आइए एक गतिविधि करें। समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेर कर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज ना करे। पकड़कर और छूकर और सुनकर और कुछ सूंघ कर और कोई तरीका, आवाज पहचान कर। दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं। सुनाई दे रहा है? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। चलो मुझे छू के बताओ कहाँ पर हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे सामने कुछ बच्चे खड़े गए हैं, ठीक है, तुम्हें पहचान कर बताना है कि वो बच्चे कौन से हैं। आगे बढ़ो, अभी तो छुओ, देखो इसे पहचानो कौन है ये। वाहन। गलत। एक मौका और दिया जाएगा, पहचानो। गलत। चलिए अब दूसरे बच्चे को पहचानो। इधर देखो, इधर ये यहाँ खड़ा है, ये इसको पहचानो, इसको
कौन है ये? राहुल। नहीं। नहीं। वेरी गुड। छुपकर बताओ क्या चीज है। हाथ आगे करो, पहचानो। वेरी गुड। ज्योमेट्री। वेरी गुड गुड। पहचानो क्या है ये। गोल तो है लेकिन क्या चीज है ये। टेप। वेरी गुड। मार्कर। गुड। पेंसिल। अच्छा क्या तुम इसे कलर बता सकते हो बोतल का? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि कलर का पता बिना देखे नहीं चल सकता। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बच्चों, लुई ब्रेल की कहानी की एक सीख ये भी है कि हमें नुकीली चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।